दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अररिया से मुफीजुद्दीन रियाजी साहब, जो पिछले दिनों बिहार के कई मंत्रियों से मुलाकात कर जो पूर्णिया विश्वविद्यालय है उनमें अरबिक डिपार्टमेंट की शुरुआत कराने की मांग की। चलिए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिन मंत्रियों से वे मिले और जिन मुद्दों को लेकर के मिले इनके पीछे का क्या मकसद था और क्यों जो है यहाँ के जिस जो समस्याएं हैं इनको लेकर के मंत्रियों से मिले और क्या क्या आश्वासन दिया मंत्रियों ने, इन्हीं चीज़ों को लेकर के फ़िलहाल हम हैं मुफीजुद्दीन रियाजी के साथ जो ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं अररिया से। चलिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम जो है ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहते हैं सबको और उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो मेरा दौरा था पटना का, खासकर मैंने दो तीन मुद्दे पर बात की है मंत्रियों के साथ और उसमें से सबसे पहले जो हमने मुलाकात की जनाब जमा खान साहब से, उनके सामने हमने पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर अरबिक डिपार्टमेंट को लागू करने, उसको चालू करने के सिलसिले में मैंने सवाल किया, पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब इस तरह की बात है तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे कि जैसा भी होगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा आगे चल के। और साथ ही साथ जनाब श्रवण कुमार जो हैं उनसे भी मैंने मुलाकात की और जीवेश कुमार जी हैं उनसे भी हमने मुलाकात की और महेश्वर हजारी जो है उनके साथ मुलाकात की और सबके सामने खासकर हमने सीमांचल के ताल्लुक़ से बातें रखी, जिसमें से शेरशाहवादी बिरादरी के ताल्लुक़ से भी मैंने बातें रखी। उनको मैंने ये बात बताने की कोशिश की कि सीमांचल के अंदर एक बिरादरी शेरशाहवादी के नाम से है जिसका ना घर है और ना उसका मतलब के सियासत में कोई गिरफ्त है और ना ही इनके पास कोई बिजनेस है, यानी एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल वह बेकार हैं और सियासी जो पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं वो भी इनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, खाली इनसे वोट लेते हैं। उसके साथ ही साथ इनसे जब बात हुई जीवेश कुमार जी के साथ, वो भी मंत्री हैं, उनके सामने मैंने उर्दू के बारे में भी मसाला रखा, जो उर्दू असातिजा हैं जिनकी बहाली होनी है, उन्होंने कहा ठीक है, श्री नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे CM वो तो हमेशा मुसलमानों के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी थे और रहेंगे भी। और जहाँ तक शेरशाहवादी बिरादरी के ताल्लुक से है तो किसी ने इस बिरादरी के बारे में हम लोगों को कोई ख़बर नहीं दी। हम लोग जानते हैं मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं, एक ही मुसलमान हैं, लेकिन ख़ास करके शेरशाहवादी बिरादरी के ताल्लुक से अभी हालिया किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत पहले की बात है कि जनाब मुबारक हुसैन साहब एक थे कटिहार में, वही कभी कभार जो है शेरशाहवादी के बारे में बोला करते थे और वो नेता भी रह चुके हैं, MLA भी रह चुके हैं शेरशाहवादी की तरफ से, और उनके बाद आज तक इतनी बड़ी आबादी है सीमांचल के अंदर, खास करके जहाँ मैं अररिया में हूँ, जहाँ आप हैं इस प्रखंड के अंदर, अररिया प्रखंड के अंदर तकरीबन इसी में 40-50 हज़ार के आसपास जो है शेरशाहवादी लोग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ना इनका एक जिला परिषद है ना और कुछ है। तो इन सब मुद्दों पर मैंने बात की है उनके सामने और सब ने कहा कि ठीक है, उसमें आप लोगों को भी आगे आना होगा, कोशिश करना होगा। हम लोग बाअसर लोगों को, तासीर वाले लोगों को हम तलाश करते हैं और उस हिसाब से उनको भी आगे लाने की हम लोग कोशिश करते हैं या आगे करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ है कि आपने पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो है अरबिक डिपार्टमेंट की मांग की, ऐसी क्या ज़रूरत है कि अरबिक डिपार्टमेंट होनी चाहिए पूर्णिया विश्वविद्यालय में? देखिए असल में जब यूनिवर्सिटी है और हमारे घर से करीब है, सीमांचल के अंदर है, तो सीमांचल के अंदर तकरीबन 42-43% मुस्लिम आबादी है,
तो अगर यहाँ पर इन पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अगर अरबिक डिपार्टमेंट खुल जाता है, उसमें तालीम होने लगती है, तो फिर इतनी आबादी को दिल्ली और दूसरे जगह का सफ़र नहीं करना पड़ेगा तालीम हासिल करने के लिए। इससे कम जिन लोगों का परसेंटेज 12 है 13 है वो डिपार्टमेंट यहाँ पर है, तो उस हिसाब से अरबिक डिपार्टमेंट भी होना चाहिए। और इसमें जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि इस मौजू पर सोचे और जितना जल्द हो सके अरबिक डिपार्टमेंट को पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर चालू करें। क्या आश्वासन दिया अल्पसंख्यक मिनिस्टर जमा खान साहब? देखिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब इस तरह की बात है तो हम लोग इस मौजू पर बात करेंगे और बात करने के बाद जो भी डिसीजन होगा फिर आप लोगों के सामने आएगा। आप वाल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं अररिया के। आप लोगों ने शेरशाहवादी के लिए क्या किया? मान के चलिए कि नुमाइंदगी नहीं है, कोई नुमाइंदा, कोई लीडरशिप नहीं है, लीडर नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इस बदहाल शेरशाहवादी के लिए क्या किया? देखिए, ये ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन जो 1984 से रजिस्टर्ड है, लेकिन बीच में क्या हुआ कि 11 मेंबर में से 9 मेंबर का इंतकाल हो गया। तो जब 9 मेंबर इंतकाल हो गए तो एसोसिएशन बिल्कुल जो है बैठ गया। अभी फिर से जब 2018 से इसको दोबारा रिन्यूअल किया हमारे चेयरमैन साहब ने, डॉक्टर सईदुररहमान साहब ने, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें से हमारे सूबाई जमीयत के नाजिम मौलाना इनामुल हक मदनी हफीजाउल्लाह भी साथ में हैं, साथ साथ चल रहे हैं, और मोहम्मद हसन साहब हैं, एडवोकेट तजम्मुल हक साहब हैं, जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ बार बार। तो ये लोग अभी दोबारा उसी एसोसिएशन को खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और तकरीबन हर जिला में प्रखंड लेवल पे मतलब के चुनाव हो चुका है, उसका इंतखाब हो गया है। अब बाकी है पंचायत लेवल पर, पंचायत लेवल का काम भी चालू है, 2-4-6 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा। और उसके बाद तब फिर जो शेरशाहवादी के ताल्लुक से जो भी बातें हैं उस पर गौर करके, जैसे अभी जनगणना का मामला है, इस मौजू पर भी मतलब कि उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा और इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये एसोसिएशन का मुद्दा ही यही है। जैसे तालीम के लिए कम से कम हर जिला में एक शेरशाहवादी स्कूल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। उसी तरह आग लग जाता है, सैलाब आता है, कोई बीमार है, इलाज नहीं हो पाता है, किसी का घर नहीं बना है, तो इन सब मुद्दों पे सोचने के लिए एसोसिएशन बनाया गया है। धीरे धीरे इस पर काम होगा इंशाल्लाह। चलिए, आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। हमारे साथ इस वक्त थे वाल बिहार शेरशाहवादी यानी कि अबसा के अररिया जिला अध्यक्ष मुफीजुद्दीन रियाजी साहब। खास करके जो पूर्णिया विश्वविद्यालय है उसमें अरबिक डिपार्टमेंट की मांग करने के लिए वे पटना गए थे, कई मंत्रियों से मिले और मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया। और ये ज़रूरी भी है कि जो एक विश्वविद्यालय है वहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज़ होती है जिसमें से एक अरबिक फैकल्टी काफ़ी मायने रख रहा है, खास करके सीमांचल के लिए, क्योंकि सीमांचल के इलाके में लोग जो है इब्तदाई तालीम ज़्यादातर लोग मदरसे में पढ़ते हैं और अरबिक एक लिटरेचर का हिस्सा भी है। तो यहाँ के लोगों के लिए यहाँ तो खास करके चाहिए कि अरबिक डिपार्टमेंट हो और अरबिक डिपार्टमेंट होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे दूर दराज का सफ़र ना करें, यही पूर्णिया विश्वविद्यालय से अपनी तालीम हासिल कर सके। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से असली बिहार के असली मुद्दे देखते रहिए।